हेलो सो गाइज़, तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाली है। सो गाइज़, आज की वीडियो अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं बता देता हूँ। आज की वीडियो में हम जो बाइक है एक TVS रेडर 125 का फर्स्ट रिव्यू दिखाएंगे, क्योंकि मैंने कल ही परचेज़ किया है वो। तो आज उसकी सारी वो दिखाएंगे आपको कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं, क्या क्या मतलब क्या कैसे कैसे उसका लुक्स वगैरह सब कुछ आज उसमें बात करते हैं वीडियो में। तो गाइज़, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नहीं आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, चलते हैं अपनी बाइक की तरफ। सो गाइज़, देख सकते हैं ये हमारी TVS रेडर आई, इसके फीचर्स वगैरह के बारे में दिखाते हैं और इसकी फर्स्ट रिव्यू भी। तो कुछ इस टाइप की बाइक देखने को मिल जाती है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे। तो गाइस, ये इस टाइप की कुछ हमें बाइक अपनी देखने को मिल जाती है। तो ये ब्लू वेरिएंट है, तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है। और सबसे पहले फीचर की तरफ चलते हैं। तो भाई, सबसे पहला फीचर आपको खुद अपनी आंखों के सामने दिख ही रहा होगा, इसका जो लुक है कितना प्यारा लुक है। देख सकते हैं एकदम स्पोर्टी, और 125 सीसी सेगमेंट में आपको इतनी बढ़िया बाइक देखने को मिलती है, वो भी स्पोर्टी लुक में। ये देखिएगा कुछ, और यहाँ पे TVS का लोगो वगैरह भी दे रखा है। तो सबसे बढ़िया इसकी यही बात है कि इसका लुक बहुत प्यारा है। तो चलते हैं अपने दूसरे फीचर की तरफ। सो गाइस, दूसरा फीचर इसका ये देख सकते हैं, इसके जो लाइट्स मिलते हैं DRL लुक्स देखने को मिलती हैं। ये देखिए, काफ़ी बढ़िया इनकी ब्राइटनेस रहती है रात के टाइम में, तो जो कि काफ़ी बढ़िया लुक दे देती है। और गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके जो मीटर की है, जो डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको दो बटन दे रखे हैं, जो कि ये जो आपके ये एवरेज वगैरह के शो करते हैं। जैसे एवरेज में को 57 की दे रही है, तो इसका मोड दिखा देता हूँ आपको। इस पर दबाते ही आपको एक तो ट्रिप ए देखने को मिल जाता है, और सेकंड ट्रिप बी भी देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अपने को देखिए ट्रिप ए और साथ ही ट्रिप बी भी देखने को मिल जाती है। और रेंज आप इस वक्त रेंज भी बता देती है, जैसे आप फ्यूल डलवाते हैं कि अब इतने फ्यूल में आपकी जो बाइक है कितना किलोमीटर और जाएगी, ये भी आपको यहाँ शो कर देता है। तो और साथ ही में देख सकते हैं, जैसे ही हम बाइक को अपनी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट हल्की सी देखने को मिलती है। देखिए यहाँ लाइट जलती है, फिर ये सारा कंसोल चलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे ऊपर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, साइड स्टैंड के, हेलमेट के, RPM वगैरह, वॉच, इको मोड, पावर मोड यहाँ पर देखने को मिलता है कितनी बाइक चली है यहाँ पे। और यहाँ पे स्पीड मीटर दिख जाता है, यहाँ पे गियर शिफ्टर मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल की दिन मिल जाती है। तो गाइस, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं। और एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी ने अभी तक मेरे को एवरेज दी है 57 की। तो और गाइस, 65 की इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है, बट यूज़र्स का है जो मानना वो है कि 60 तक दे देती है। सो गाइस, आ जाते हैं इसके फोर्थ फीचर में, जो कि है इसका साउंड। काफ़ी प्यारा साउंड है, एक बार सुनिएगा। पहले तो साइलेंट स्टार्ट है, इसलिए साउंड सुनिए। सो गाइस, नेक्स्ट जो फीचर की बात करते हैं, नेक्स्ट जो फीचर अपना, ये फीचर कह सकते हैं या नहीं ये पता नहीं, बट बाकी जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उनके जो गियर होते हैं या तो सारे डाउन जाते हैं, सारे अप जाते हैं, बट इसका जो वो सिस्टम है वो कुछ इस टाइप का है कि एक इसका फर्स्ट गियर डाउन जाएगा, बाकी सारे अप जाते हैं। और इसमें ऐड की गई है जैसे ये चीज़ होती है फुट रेस्ट, इसके ऊपर जैसे काफ़ी जो जैसे नॉर्मल वाले होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, ऐसे बंद भी कर लो इसमें खोल लो, बट ये है कि बंद होते ही अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे खुलते रहते हैं। देखिए गाइस, तो ये भी एक बढ़िया फीचर लगा मेरे को। जो मेरे पास वेरिएंट है वो एक तो डिस्क वेरिएंट है फ्रंट, जिसमें डिस्क है, तो सेकंड जो पीछे वाले में हमें ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है।
सो देख सकते हैं कुछ बैक साइड से भी इस टाइप की लुक देखने को मिलती है। राइडर का लोगो है यहाँ पे, और यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी यहाँ पे देखने को मिलेगा अपने को TVS का जो लोगो होता है। और सो गाइज अपने को नेक्स्ट फीचर, जो फीचर नहीं मतलब वैसे बता देता हूँ, हमें देखने को मिल जाती है यहाँ पे टेल लाइट, और इसी के नीचे मिल जाती है हमें वो नंबर प्लेट के लिए जो लाइट होती है दी हुई, देख सकते हैं जल रही है अभी भी। और ये लाइट का जो बैक से कितना बढ़िया लगता है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप की बैक साइड से देखने को लगती है अपनी बाइक ये। और चलते अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। गाइज नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये अपने जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, क्या होता है इतनी बढ़िया सीट, देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें वो हो रखा है फोम वगैरह जो है इसकी कितनी बढ़िया है। और बैक साइड पिलियन के लिए भी वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी बाइक ये। और इसी के साथ इसी के अंदर एक और फीचर इसमें दे रखा है, ये देखिए पीछे साइड एक चाबी दे रखी है लगाने के लिए, और इसे खोलते ही देख सकते हैं गाइस इस टाइप की हमें एक डिग्गी देखने को मिल जाती है जिसमें थोड़ा ही स्पेस है बट काफ़ी काम आती है कभी कभार, जैसे आपके पास कुछ भी ना कैरी करने के लिए, फ़ोन वगैरह आपको कैरी करना है बारिश के टाइम, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन ईजिली रख सकते हैं। तो हमें इसी के साथ देखने को मिलती है इसकी एक टूल किट, प्लस एक चीज़ और मिली थी मेरे को जो कि इसका वो होता है फर्स्ट एड, छोटा सा था वो भी इसके अंदर ही मिला था। तो ये है इसकी डिटैचेबल सीट जो कि इस टाइप बाद में लग भी जाती है। सो गाइस ये लग चुकी है, और इसके जो पीछे हमें देखने को मिल जाते हैं फ्रंट और बैक में इसके जो ये होते हैं इंडिकेटर्स, ये हमें बल्ब में मिलते हैं तो ठीक है बल्ब में भी चलेगा। और गाइस बाकी तो सारे फीचर्स नॉर्मल बाइक जितने ही हैं, और इंडिकेटर्स वगैरह का ये पास आ गए लाइट के लिए, और बाकी तो सब कुछ सही है। और सबसे बढ़िया तो इसका ये जो मीटर कंसोल दिखता है ये काफ़ी बढ़िया लगता है, और स्पोर्टी लुक तो है ही इस बाइक की। और गाइस सबसे जो बेहतरीन इस बाइक की जो बात है वो ये है कि 125 सीसी होने के बाद भी काफ़ी बहुत बल्की सी बाइक है, देख सकते काफ़ी मतलब लगता नहीं है कोई, अगर जैसे नया बंदा है वो देख के बता नहीं सकता कि 125 सीसी की बाइक होगी है, क्योंकि लगता नहीं है, काफ़ी बढ़िया बड़ी सीसी की लगती है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, देख सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो गाइस आपको पता है इसका लुक। और अब अगले फीचर की बात करते हैं, फीचर नहीं मतलब कंपनी जो इसकी TVS की कंपनी है उन्होंने काफ़ी बढ़िया वर्क करा इस चीज़ पे, देख सकते हैं जैसे कि आपको स्पोर्टर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी बाइक्स होती है उनमें काफ़ी नॉर्मल से देखने को मिलते हैं बट काफ़ी हैवी से लगा के देख सकते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग से, कि मतलब गिरे वरेगी तो कुछ बाइक को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मेरे पास ब्लू कलर वेरियंट था जो कि मेरा फेवरेट है। वो फीचर की बात करें तो हमें नेक्स्ट फीचर में देखने को मिल जाता है एक हमें चार्जिंग पोर्ट, जो कि अभी मैंने लगवाया नहीं है बट आप चाहे तो लगवा सकते हैं, यहाँ पे आप फोन यहाँ पे अपना डाटा केबल लगा के अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। और गाइज अगर बात करें इस गाड़ी के प्राइस की तो आपको ये हमारे यहाँ पे मतलब नॉर्मली 1 लाख तक की मिल जाती है, और अपने अपनी जगह का अलग अलग हिसाब होता है कि कहीं 1,05,000 की मिल जाती है ऑन रोड प्राइस, तो मेरे को तो 1,05,000 की पड़ी थी ये, तो आपके इलाके में क्या पता अलग रेट हो इसका, 2-3 हज़ार अप डाउन हो सकता है। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी बढ़िया बाइक है, आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया इसके सारे फीचर्स। और अगर गाइस आप चाहते हैं इसका मैं मतलब टेस्ट वेस्ट करूँ, माइलेज टेस्ट हो गया, 1 लीटर में कितना चलती है ये वगैरह, उसकी सर्विस वगैरह जितना भी सब कुछ इसका रेगुलर जो चलता रहेगा वो सब अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ आपको ऐसी देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइस बाय। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के।